नगर पंचायत मक्खनपुर को नगर निगम फिरोजाबाद में विलय न किए जाने के संबंध में नगर विकास मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आपको बताते चले कि 12 जुलाई को हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशन हुई खबर से नगर पंचायत मक्खनपुर में खलबली मची हुई है। नगर पंचायत नगर निगम में विलय न हो जिसको लेकर तमाम कोशिश की जा रही है। इसी से संबंधित आज नगर पंचायत अध्यक्ष व व्यापार मंडल समेत जनता ने एकजुट होकर नगर विकास मंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जनता का कहना है अट प्रयास के बाद नगर पंचायत मक्खनपुर को बनाया गया है, अभी तो पहला कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ है, उससे पूर्व ही नगर निगम में शामिल किया जा रहा है, यह हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें बाजार बंद करना पड़े तो करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, पर नगर पंचायत मक्खनपुर को नगर निगम फिरोजाबाद में विलय नहीं होने देंगे। मेरा नाम कमलेश यादव, सभासद वार्ड नंबर 9, नगर पंचायत मक्खनपुर। और देखिए, हमारी नगर पंचायत अभी हर तरफ चारों तरफ विकास कर रही है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, पार्क बन रहे हैं और सड़कें, खरंजिया गली, नाली, पानी सब की व्यवस्था है, लेकिन फिर भी नगर निगम हमको षड्यंत्र करके नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करना चाहते हैं। मेरा नाम रतन प्रकाश गुप्ता, मक्खनपुर व्यापार मंडल से हूँ मैं, और मक्खनपुर को नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने के विरोध में हम लोगों ने आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और इसका हम बहुत विरोध कर रहे हैं और इसके लिए अनशन करने के लिए तैयार हैं, बाजार भी बंद करेंगे, ये हमारी बात नहीं सुनेगी तो बाजार भी बंद करेंगे, और इसके लिए ये हमारी छोटी मोटी समस्या का जो समाधान जो हमारी नगर पंचायत से हो जाता है उसके लिए हम फुरेवाज भागना पड़ेगा, और हमारी हर समस्या का समाधान मक्खनपुर नगर पंचायत से होता है और विकास का भी ज़्यादा होता है। इसके लिए ये हमारी शासन और प्रशासन, ये हमें लखनऊ जाना पड़ा तो वहाँ पर भी जाएंगे और हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम बाजार बंद करके अनशन करेंगे, भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, ये हमारी बात है। आपको कैसे जानकारी हुई कि आपको मक्खनपुर विलय किया जा रहा है? मक्खनपुर में विलय करने के लिए जानकारी हुई कि अखबार में कई बार निकली और हमने इसकी जानकारी दी, सर्वे और इसका सर्वे भी हुआ है और उसकी सब जानकारी मिली, इसके लिए हम उसका विरोध कर, नगर निगम नगर पंचायत पहले जो बनाई गई कितनी मेहनत से बनाई गई और उसको एक कार्यकाल भी नहीं पूरा हुआ, उससे पहले नगर निगम में मनाया जा रहा है, ये इतना ही करना था। हमारी नगर पंचायत क्यों मनाई गई तो पहले ही नगर निगम में दे दी जाती, यदि एक भी कार्यकाल हमारा 2 साल भी नहीं पूरे हुए, अभी 1.5 साल हुए नगर पंचायत होने और उसको नगर निगम में विलय किया जा रहा है, इसका हम पूरी तरह विरोध करेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।